हम पता करेंगे कि लियाकत रोड पे होटलों के रेंट क्या चल रहे हैं। जी व्यूवर्स, आज हम पूछेंगे, मोहम्मद शहराज हमारे साथ मौजूद हैं, इनके होटल का क्या रेंट चल रहा है इस टाइम, और सिंगल बेड और डबल बेड का क्या रेट है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सब ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर, ये हमारा होटल है जो सलातीन होटल है, लियाकत रोड का बड़ा मशहूर होटल है। तो इसमें यह है कि फैमिली रूम भी हमारे पास मौजूद हैं, सिंगल रूम है, डबल रूम है, और तीन बेड वाला भी रूम है, अवेलेबल है। तो हमारे पास बहुत पुराने कस्टमर, आज से 20 साल कबल जो कस्टमर थे, वो आज भी इंशाल्लाह हमारे सर्विस से खुश हैं, क्योंकि वो हम हर तरह की उनको सर्विस देते हैं। हमारे पास वाईफाई मौजूद है, गर्म पानी, अभी सर्दियों का मौसम है, लोगों को काफ़ी मुश्किलात होती हैं। बाकी जितने भी होटल हैं उन्हें बस नाम ले कर कस्टमर को अंदर करते हैं तो गर्म पानी नहीं अवेलेबल होता, तो उनको काफ़ी दुश्वारी हो जाती है फिर सुबह। तो इस वजह से हमारे पास जो अभी सिंगल जो बेड है वो हम 600 रुपये का दे रहे हैं, जो हमारा डबल बेड है वो 1000 रुपये का दे रहे हैं, और जो तीन बेड वाला वो 1200 रुपये का दे रहे हैं। तो हमारे कस्टमर जितने भी आते हैं वो खुशी से चले जाते हैं, रूम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उनको। अच्छा शराज साहब, हमें ये बता दें कि यहाँ पे आप जो खाना वगैरह प्रोवाइड करते हैं इनको, उनका क्या रेट है और क्या हिसाब है डिश के हवाले से, कि कौन कौन सी क्या आपके पास डिश अवेलेबल है? सर, वैसे तो हमारा जो काम है वो तो सिर्फ रिहायशी है, तो रेस्टोरेंट तो हमारा पहले था लेकिन आज कल हमने बंद कर दिया हुआ है। तो हम ये है कि सहूलत हम सर्विस अवेलेबल है हमारे रूम में, मतलब किसी कस्टमर को अगर खाने वगैरह की कोई भी चीज़ चाहिए हो वो रूम में अवेलेबल करते हैं, लेकिन हमारे पास जो अपना रेस्टोरेंट है वो आजकल हमने क्लोज़ किया हुआ है, तो बाहर से ही लेके आते हैं। तो हमारे पास जो सबसे मशहूर है वो है कोयटा होटल हमारे पास है, और उसके स्पेशल पराठे हैं, चाय है, उसके अलावा नान मिलते हैं, हर किस्म की सहूलत अपने कस्टमर के लिए। हम जितनी भी कोशिश करते हैं कि जो भी कस्टमर इधर आए वो खुशी से जाए, और फिर जब वापस आए तो खुशी से आए। तो हमारे पास मतलब कि हर तरह का सोल्यूशन है अपने कस्टमर के लिए, हम अपनी जान भी देते हैं उनके लिए, क्योंकि जो हमारा कस्टमर है, हमने जो एक दफ़ा आया उसको हमारी यही कोशिश होती है कि वो बार बार हमारे पास ही आए, किसी के पास ना जाए। तो इसके अलावा शहराज भाई, ये जो आप इसके चार्जेस लेते हैं रूम्स के, ठीक है, सिंगल बेड है, डबल बेड है, ट्रिपल बेड है, इसके जो चार्जेस हैं आप लेते हैं वो 24 घंटे के या 12 घंटे के, ये ज़रा हमारी ऑडियंस को ज़रा कन्फर्म कर दें, क्लियर कर दें, कि इनको भी पता हो कि नेक्स्ट टाइम अगर वो इधर आएँ आपके होटल पर विज़िट करें तो आओ इनको पता होना चाहिए कि ये चीज़ किस तरह मिल रही है। सर, ये लियाकत रोड पे सिर्फ नहीं है, बल्कि आप इस्लामाबाद के अंदर चले जाएं, रावलपिंडी के किसी भी होटल में चले जाएं, वो स्टे अब 12 घंटे का है। तो इससे ज़्यादा मतलब हम कर सकते हैं हमारे अपने कस्टमर के साथ, सिर्फ अपने कस्टमर के साथ 1 या 2 घंटे। अगर हमारे पास जो चेकआउट टाइम लिखा हुआ है ये 3 PM है, तो हम अपने कस्टमर को 6 बजे तक है ना जो वो स्टे करवा सकते हैं। तो उनका वो सामान वगैरह होता है हम अपनी हिफाजत में रखते हैं, कस्टमर बाहर जाते हैं वो रात को 7 बजे 8 बजे आते हैं वापस, तो अपना सामान आप इधर से अवेलेबल होता है हमारे पास, वो ईज़िली सामान अपना ले कर चले जाते हैं इधर से। तो वैसे जो टाइमिंग है होटलों की जितने भी है वो 12 घंटे होती है सर। अच्छा, शहराज साहब ने हमें बताया है कि ये विदाउट खाने के आपको रेट बताया, सिंगल बेड, डबल बेड, ट्रिपल बेड है, इसका विदाउट खाने के, अगर विद खाना आप करते हो तो पर डिश के हिसाब से आपको उसके चार्जेस देने पड़ेंगे। आप जो भी ऑर्डर्स करते हैं इनको आपको प्रोवाइड करके देंगे, और पर डिश के हवाले से आपको ये उसके प्राइस बताएँगे फिर। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया शराज साहब, आपने हमें टाइम दिया है, आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हमें 10 मिनट दिया वीडियो शूट करने के लिए, थैंक यू सो मच। अब व्यूअर्स, आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें इसे, वीडियो देखते रहें, हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, स्ट्रीट टीवी, थैंक यू सो मच।